पितामह भीष्म उपदेश करते हैं पांडवों को, बेटा कभी किसी अपने आंखों के सम्मुख पाप होते हुए मत देखना, अगर सामर्थ्य हो तो बचाना, अन्यथा वहां से चुपचाप नेत्र बंद करके निकल जाना। इतना कहा, पास में द्रौपदी खड़ी हुई थी, हंसने लगी। पितामह भीष्म ने पूछ लिया, बेटी आप क्यों हंसी? एक कुलवती नारी बिना कारण के नहीं हंस सकती। द्रौपदी कहती, नहीं बाबा, मुझे बस ऐसी हंसी आ गई। पितामह भीष्म कहते, नहीं नहीं, आपको बताना होगा। द्रौपदी कहती है, बाबा ये उपदेश आपका उस समय कहां चला गया था जब भरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था और आप भी उस सभा में बैठे हुए थे। पितामह भीष्म के नेत्रों से अश्रु झर पड़े, कहने लगे, देवी उस समय मैंने कौरवों का दूषित अन्न पान किया था, अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, आज मेरे रोम रोम में बाण चुभे हुए हैं। दूषित अन्न का बना हुआ जो रक्त है वो रक्त निकल चुका है, अब मेरी बुद्धि पवित्र हो चुकी है, मेरा देह शुद्ध हो चुका है। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।